हेलो दोस्तों, टैगी पॉज में आपका स्वागत है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, आजकल ज़्यादातर चीज़ें ऑनलाइन हो गई हैं, यहाँ तक कि स्टडी वगैरह सभी चीज़ें ऑनलाइन हो गई हैं। अब ऐसे में स्मार्टफोन की जो ज़रूरत है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। अब हमें प्रॉब्लम ये चूज़ करने में आती है कि कम बजट में अच्छा स्मार्टफोन कौन सा खरीदें। तो आपकी इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम लेकर आए हैं इस वीडियो के अंदर। अगर आपका बजट 10,000 या 10,000 से कम है तो ये 5 फ़ोन आपके लिए बेस्ट होंगे। 5 नंबर पर आता है सैमसंग M02, जिसमें आपको 6.5 इंच की डिस्प्ले मिलती है। और वहीं प्रोसेसर की बात करें तो इसमें मीडियाटेक का आपको प्रोसेसर मिलता है, जो कि बेस्ड है एंड्रॉयड 10 पर। और वहीं इसमें हम बात करते हैं मेमोरी कार्ड की, तो आप इसमें 2 सिम कार्ड और 1 मेमोरी कार्ड आसानी से एक साथ लगा सकते हैं। और इसमें आपको 2 वेरियंट मिलते हैं, 2 GB रैम, 32 GB इंटरनल स्टोरेज, 3 GB रैम और 32 GB इंटरनल स्टोरेज। और अगर हम कैमरे की बात करें इसमें, तो आपको डुअल कैमरा सेटअप मिलता है। प्राइमरी कैमरा 13 मेगापिक्सल का है और सेकेंडरी कैमरा 2 मेगापिक्सल का है। अब आते हैं सेल्फी पर। इसमें आपको मिलता है सेल्फी 5 मेगापिक्सल कैमरा। इसमें मिलती है आपको 5000 mAh की बैटरी। वहीं इसके प्राइस की बात करते हैं तो 2 GB और 32 GB वाला वेरियंट आपको 7,999 में मिलेगा। और वहीं बात करें दूसरे इसके दूसरे वेरियंट की, वो आपको 3 GB 32 GB वाला वेरियंट आपको 8,499 में मिलेगा। नंबर 4 पर आता है Realme C21Y, जिसमें आपको 6.5 इंच की डिस्प्ले मिलती है। और अगर हम बात करें इसके प्रोसेसर की, तो इसमें आपको MediaTek Helio G35 प्रोसेसर मिलता है, जो कि बेस्ड है Android 10 पर। वहीं हम बात करें सिम स्लॉट की, तो इसमें आपको 2 सिम कार्ड और 1 SD कार्ड लगाने का ऑप्शन मिलता है। और इसमें भी आपको 2 वेरियंट मिलते हैं, 3 GB रैम, 32 GB इंटरनल स्टोरेज, 4 GB रैम, 64 GB इंटरनल स्टोरेज। वहीं बात करें हम इसके मेन कैमरे की, इसमें आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है, जिसमें आपको प्राइमरी कैमरा 13 मेगापिक्सल का मिलता है और बाकी 2 2 मेगापिक्सल के 2 आपको कैमरे मिलते हैं। और अगर इसकी सेल्फी की बात करें तो इसमें आपको 5 मेगापिक्सल की सेल्फी मिलती है। इसमें आपको मिलती है 5000 mAh बैटरी। और वहीं हम इसकी प्राइस की बात करें तो 3 GB 32 GB स्टोरेज वाला आपको वेरियंट मिलेगा 8,999 रुपये में। और वहीं बात करें हम इसके दूसरे वेरियंट की, 4 GB 64 GB, वो आपको मिलेगा 9,999 रुपये में। नंबर 3 पर आता है Redmi 9। इसमें आपको 6.5 इंच की डिस्प्ले मिलती है। अगर इसके प्रोसेसर की बात करें तो इसमें आपको MediaTek Helio G35 प्रोसेसर मिलता है, जो कि बेस्ड है Android 10 पर। वहीं इसके सिम स्लॉट की बात करें तो इसमें आपको 2 सिम कार्ड और 1 SD कार्ड लगाने का ऑप्शन मिलता है। अगर हम बात करते हैं इसके इंटरनल स्टोरेज की, तो इसमें आपको 4 GB रैम, 64 GB इंटरनल स्टोरेज मिलता है। और दूसरा वेरियंट में आपको इसके 4 GB रैम, 128 GB इंटरनल स्टोरेज मिलता है। वहीं बात करते हैं हम इसके कैमरा सेटअप की, तो इसमें आपको डुअल कैमरा सेटअप मिलता है। मेन कैमरा आपको 13 मेगापिक्सल का मिलता है और सेकेंडरी कैमरा आपको 2 मेगापिक्सल का मिलता है। और इसमें आपको सेल्फी कैमरा 5 मेगापिक्सल का दिया गया है। और इसमें आपको बिग बैटरी मिलती है, जो कि 5000 mAh की है। अगर इसकी प्राइस की बात करें तो इसमें आपको 4 GB 64 GB वाला वेरियंट 9,499 रुपये में मिलेगा। और इसका जो दूसरा वेरियंट है 4 GB 128 GB, वो आपको 9,999 रुपये में मिलेगा। नंबर 2 पर आता है Realme C20। इसमें भी आपको 6.5 इंच की डिस्प्ले मिलती है। वहीं इसके प्रोसेसर की बात करें तो इसमें भी आपको MediaTek Helio G35 प्रोसेसर मिलता है, जो कि बेस्ड है Android 10 पर। अगर इसमें भी हम सिम स्लॉट की बात करें तो इसमें भी आपको 2 सिम कार्ड और 1 SD कार्ड लगाने का ऑप्शन मिलता है। वहीं बात करें इसके इंटरनल स्टोरेज की, तो इसमें आपको 2 GB रैम और 32 GB इंटरनल स्टोरेज का ऑप्शन मिलता है। और इसके मेन कैमरा सेटअप की बात करें तो इसमें आपको सिंगल कैमरा मिलता है 8 मेगापिक्सल का। और इसमें सेल्फी कैमरा आपको 5 मेगापिक्सल का दिया गया है। और इसमें भी आपको बिग बैटरी 5000 mAh की दी गई है। अगर हम इसकी प्राइस की बात करें तो ये आपको 7,499 रुपये में आसानी से मिल जाएगा। नंबर 1 पर आता है Redmi 9A। इसमें भी आपको 6.5 इंच की डिस्प्ले मिलती है। अगर इसके प्रोसेसर की बात करें तो इसमें आपको MediaTek Helio G25 प्रोसेसर मिलता है, जो कि बेस्ड है Android 10 पर। अगर हम इसके सिम स्लॉट की बात करें तो इसमें भी आपको 2 सिम कार्ड और 1 SD कार्ड लगाने का ऑप्शन मिलता है। अगर हम बात करें इसके इंटरनल स्टोरेज की, तो आपको इसमें 2 GB रैम, 32 GB इंटरनल स्टोरेज और 3 GB रैम और 32 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ ये आपको मिलता है। अगर हम बात करें इसकी मेन कैमरे की, इसमें आपको सिंगल कैमरा सेटअप दिया गया है, जो कि 13 मेगापिक्सल का है। अगर हम बात करें इसकी सेल्फी कैमरे की, तो वो आपको मिलता है 5 मेगापिक्सल का। अगर हम बात करें इसकी बैटरी की, तो इसमें भी आपको 5000 mAh की बिग बैटरी मिलती है। अब बात करते हैं इसके प्राइस की। इसमें आपको 2 GB रैम, 32 GB इंटरनल स्टोरेज वाला वेरियंट आपको 7,000 रुपये में मिलेगा और 3 GB 32 GB वाला वेरियंट आपको 8,000 रुपये में मिलेगा। तो ये थे 10,000 के अंदर के 5 बेस्ट स्मार्टफोन, जिन्हें आप ऑनलाइन आसानी से खरीद सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो।